जनपद संभल की थाना रजपुरा व सर्विलांस की टीम ने धोखाधड़ी का ट्रैक्टर हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 75 लाख की कीमत के 12 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मामले का खुलासा। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने धोखाधड़ी का ट्रैक्टर हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि रजपुरा थाना क्षेत्र में महेश निवासी दादरपुर थाना रजपुरा ने तहरीर देकर थाना रजपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर ले जाने व मांगे जाने पर वापस न करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले के खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। SP ने बताया कि यह गैंग गाजियाबाद में ऑफिस खोलकर लोगों से ट्रैक्टर ट्रॉली 30,000 रुपये महीने के अनुबंध कर किराए पर लेते थे और 1-2 महीने तक किराए दे देते थे। इसी तरह झांसी में आकर किसानों द्वारा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली इन लोगों को अनुबंध कर दे दिया करते थे। इन 30 से 40 ट्रैक्टर लोगों से ठगी कर रहे थे। सर्विलांस पर रजपुरा थाना पुलिस ने गैंग के सदस्य मनीष नागर, जितेंद्र मोहरपाल, भूपेंद्र भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 12 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। 2 आरोपी फरार हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। SP ने बताया कि ये लोग ट्रैक्टरों का चेसिस नंबर बदलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया करते थे और यह गैंग चला रहे थे। जो किसानों से ट्रैक्टर लेते उनकी पहचान मिटाकर बाजार में भेज दिया करते थे। अब इनको गिरफ्तार किया गया है, अब विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना रजपुरा के अंतर्गत पिछले कुछ समय से कई किसानों ने आकर ये शिकायत की थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनका ट्रैक्टर ले जाया गया है और उसके बाद में उस ट्रैक्टर का पता नहीं चल रहा है। इसमें आज ये पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें मतेंद्र नागर, जितेंद्र, ये दोनों थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद, मोहरपाल और मुनेंद्र भूप सिंह, ये बदायूं और कासगंज के निवासी हैं। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि ये किसानों से उनके ट्रैक्टर किराए पर लेते थे, किराए पर लेने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उसके बाद में उन ट्रैक्टरों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते थे। इसमें इनके द्वारा काफ़ी फायदा कमाया गया, जो आज हम लोगों ने इसमें टोटल 12 ट्रैक्टर बरामद किए हैं इन लोगों की निशानदेही पर, जिनकी बाजारी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। इनमें से ज़्यादातर ट्रैक्टर नए हैं। इसमें से जो इनका मास्टरमाइंड है वो मतेंद्र नागर है। ये पहले भी 2 बार इस तरह के कारनामों में जेल जा चुका है। इसके खिलाफ पहले के भी 12 अन्य मुकदमे अलग अलग थानों में अलग अलग जिलों में लिखे गए हैं। ये अंतरजनपदीय गिरोह है, इसके ऊपर अब गैंगस्टर की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ये और बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास अभी कुछ और किसान हैं जिनके ट्रैक्टर अभी बरामद नहीं हुए हैं, उन ट्रैक्टरों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों की PCR लेकर हम लोग वो ट्रैक्टर भी बरामद कराएंगे। इनके विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 68 और 471 में FIR की गई थी। इसमें से इन लोगों ने जो ट्रैक्टर मिले हैं उनके जो चेसिस नंबर और बॉडी नंबर होता है उसको ग्राइंडर से मिटाकर वहाँ पर नया नंबर इंस्टॉल करके इनको बेचा गया है। कुछ जगह पर कागज भी फर्जी बनाए गए हैं। इस सभी चीज़ की विवेचना चल रही है, आगे अग्रिम कार्रवाई से आपको सूचित किया जाए।